नमः संस्कृताय। कक्षा 7 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको अष्टमः पाठ त्रिवर्णः ध्वजः पढ़ाने चल रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक अपने सामने खोल लीजिए, चित्र अस्पष्ट आपके सामने जा नहीं रहा होगा। अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, एक एक शब्दों को देखिए। अष्टमः पाठ रुचिरा पाठ्य पुस्तक का है। पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः पढ़ रहा हूं, देखिए। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सौत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के समारोह में बड़े ही उत्साह के साथ जाते हैं, परस्परम संलपन्ति और आपस में बातचीत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या बातचीत होती है। देवेशः, देवेश, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्रगण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और छात्रगण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अन्ते च और अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेगा, और अंत में लड्डू मिलेगा। डेविड, डेविड। सुचे, सुचि नाम है जो बताती है सब कुछ। सुचे, हे सुचि, जानासि तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः की दिशा, हमारा ध्वज कैसा है। सुचि, सुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज तीन रंग का है इति, ऐसा जानती हूँ। सलीमा, सलीम कहता है, रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह तीन वर्ण का कैसे है। रुचि, रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में तीन वर्ण हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तीन रंग का है। किं त्वं एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इनके वर्णों के नाम को जानती हो। सलीमा, क्या तुम इनके वर्णों के नाम को जानते हो, रुचि पूछ रही है, रुचि सलीम से। सलीम कहता है, अरे केसर वर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे केसर वर्ण है ऊपर, फिर बीच में श्वेत वर्ण सफेद है, और नीचे हरितः हरा रंग का है, हरितः च और हरा है। एते त्रयः वर्णाः, ये तीन वर्ण हैं। देवेशः, देवेश, अस्माकं ध्वजे एतः त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये तीन वर्ण किसकी सूचना देते हैं। सलीमः, श्रुणु, सुनो, केसर वर्णः शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का, केसर वर्णस्य शौर्यः, केसर वर्ण, केसरिया रंग शौर्य की सूचना देता है। श्वेतः सत्यश्च, सत्यस्य, सफेद सत्य की सूचना। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक, और हरा रंग समृद्ध का सूचक। सुचि, सुचि, किम एतेषां वर्णानाम् अन्यत् अपमहत्त्वम्, क्या इन वर्णों का अन्य भी कोई महत्व है। डेविड, डेविड बोल पड़ता है, कहता है, आम, हाँ, कथम न, कैसे नहीं, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्णः
त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः, बीच में स्थित सफेद वर्ण सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकः। बीच में स्थित सफेद वर्ण सात्विकता और सुचिता का द्योतक है। द्योतक का मतलब प्रतीक है, सात्विकता और सुचिता का प्रतीक है। अधः स्थितः हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। अधः स्थितः नीचे स्थित हरित वर्णः हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा के सौंदर्य और उर्वरता का प्रतीक है। वसुंधरा धरती के सौंदर्य और उपजाऊपन का प्रतीक है। तेजिंदर सुचे हे सुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, चक्रम वर्तते चक्र है। सुचि आम आम हाँ हाँ, आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से यह ग्रहण किया गया है। प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, अराः का अर्थ है तीलियां। अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशतिः 24 अराः सन्ति तीलियां हैं, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अराह का अर्थ है तीलियां, 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम्। भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को समग्रतया संपूर्ण रूप से, समग्रता संपूर्णता से अस्य ध्वजस्य इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। 22 जुलाई इसको याद रखिएगा, 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में पूरी तरह से इसको स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को देश आजाद होने के पहले। तेजिंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णं ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा यह तीन रंग का ध्वज स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। हमारा यह तीन रंग का ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समय इस ध्वज का उत्तोलनम माने फहराना समारोह के पहले होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम्, तीन रंग त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगे, त्रिवर्णः ध्वजः माने तिरंगा की जय हो, तीन रंग वाले तिरंगा की जय हो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जय हो। जयतु भारतम्, भारत देश की जय हो। इति अस्मिन् कालांशे
त्रिवर्ण ध्वज अभिधानम।